नमस्कार, मैं हूं दीपिका। आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल चैनल वीके न्यूज। पीएम मोदी ने सिविल सर्विस डे पर देश निर्माण में योगदान देने वाले अफसरों को सम्मानित किया। सम्मान पाने वाले अफसरों की लिस्ट में एक मुस्लिम अफसर भी थी, जिनकी अब खूब चर्चा हो रही है। पीएम मोदी ने एक ऐसी आईएएस अफसर को सम्मानित किया जो इसकी हकदार थी। आखिर कौन है ये मुस्लिम अफसर और उन्होंने देश निर्माण में क्या योगदान दिया, पूरी जीवन चरित्र हम आपको विस्तार से इस खबर में बताएंगे। महिला आईएएस अफसर का नाम सैयद सहरिश है। इनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से है। ट्विटर अकाउंट में खुद का परिचय उन्होंने दिया है। आईएएस ऑफिसर, बीन इन आईपीएस, मेडिकल डॉक्टर, पब्लिक स्पीकर, राइटर, ऑलवेज अ लर्नर, फिलहाल बारामूला के लोगों के लिए डेप्यूटी कमिश्नर में सेवा कर रही है। अब सैयद सहरिश के ट्विटर के इस बायो से महिला अफसर के वर्सटाइल पर्सनैलिटी का अंदाजा साफ लगाया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि इनके योगदान के बारे में। तो बता दें कि जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 और 35 ए द्वारा दिए गए विशेष दर्जे को हटाने के लिए संसद ने 5 अगस्त 2019 को मंजूरी दी थी। तब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक भूल को ठीक करने वाला ऐतिहासिक कदम कहा था। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के अनुसार संसद को जम्मू कश्मीर में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार की मंजूरी लेनी होती थी। भारत की संसद जम्मू कश्मीर के संबंध में सीमित क्षेत्र में ही कानून बना सकती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में कोई बड़ी अप्रिय स्थिति सामने नहीं आई। लेकिन फिर भी हालात तनावपूर्ण थे। केंद्र सरकार वहाँ हर हाल में शांति की कोशिश कर रही है और इन सब के बीच एक महिला आईएएस अधिकारी भी अपनी कोशिशों के चलते सुर्खियों में थी। कश्मीर में किसी को बाहर रह रहे अपने परिजनों से बात करनी है, किसी और मदद की जरूरत है या फिर मीडिया तक हालात की जानकारी देनी है, इसके लिए अफसर हर समय तैयार थी। इन कोशिशों के चलते ये महिला आईएएस अधिकारी बेहद चर्चा में बनी रही। उन्होंने पूरे मामले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखें और अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी में अफवाहों को लेकर सुनिश्चित किया था कि जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था की कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सामान्य हो रहा है, लोग सहयोग कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अफवाह फैलाने की कोशिश की जिसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिली। जम्मू रीजन में कानून व्यवस्था को लेकर कोई अप्रिय सूचना अब तक नहीं आई है। तो ये थी आईएएस अफसर सैयद सहरिश। उनकी खूबियों के बारे में जितना जिक्र करें उतना ही कम है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।